हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित बोर्ड एग्जाम में गणित की कॉपी कैसे लिखे कि 70 में 70 अंक आपको मिल जाए। कैसे लिखना है, यहाँ दिखाई दे रहा है, एक कॉपी दिखाई दे रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये बच्चा कैसे लिखा हुआ है कि 70 में 70 अंक इसको मिल गया है, बस ये स्ट्रेटेजी आपको अपनाना है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनाते हैं और बोर्ड एग्जाम में लिख कर पूरा आते हैं, बल्कि नंबर कम मिलता है। क्यों मिलता है वो भी बताएंगे हम। सबसे पहले ये समझिए, अच्छा ऐसे लिखेगा ना तो उसको पक्का है कि 70 में 70 अंक एकदम 100% मिलेगा। तो आपको ईमानदारी से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा, तभी ये पूरा समझ में आएगा कि कॉपी कैसे लिखा जाता है और कैसे लिखना चाहिए। यहाँ पर समझिए, देखिए ये बच्चा लिखा हुआ है ना तो प्रश्न डाल दिया है, जैसे प्रश्न बहुत सारे बच्चे ने प्रश्न लिखते ही नहीं है, थोड़ा बहुत हिंट दे देना, क्योंकि ज्ञानो जब कॉपी चेक करता है ना तो उसको बार बार पेपर खोल कर नहीं देखना पड़ेगा कि हाँ ये बच्चा क्या लिखा हुआ है, एक चौथा प्रश्न का उत्तर, थोड़ा दिमाग खराब होता है। इसलिए थोड़ा बहुत हिंट में हिंट दे देना है, प्रश्न का हिंट दे देना है। जैसे ये बच्चा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, ये मान लीजिए प्रश्न है कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या, ये प्रश्न है। इसको हम जब कॉपी में लिखे हैं ना तो 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम एक मतलब उत्तर के तौर पर लिखे हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर डालकर यहाँ प्रश्न उत्तर संख्या 1 का उत्तर यहाँ पर लिख दिए हैं और हल लिखे हैं और प्रश्न को थोड़ा उतार दिए हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करेगा तो बार बार उसको जो पेपर खोलकर देखना नहीं पड़ेगा कि ये चौथा का प्रश्न है। तो आपको थोड़ा बहुत प्रश्न का हिंट दे देना है कि एग्जामिनर समझ जाए, और लास्ट में जो प्रश्न को सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करना है, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा बहुत ऐसे सॉल्व करना है, अपना दिमाग लगाना है यार, बिना दिमाग लगाए ना प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। और देखिए याद रखिए कि एक प्रश्न सॉल्व हो जाए ना, एक प्रश्न उसको अगले पेज पर नहीं, एक ही पेज पर एक ही प्रश्न सॉल्व करना है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक ही पेज पर एक ही प्रश्न सॉल्व करना है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए अब मान लीजिए यह प्रश्न है, यहाँ पर ये प्रश्न है, ये प्रश्न तो संख्या 2 है, तो 2 को जैसे हिंट दे दिया है ये प्रश्न का यही उत्तर है, तो आपको थोड़ा हल लिख कर ये अपने प्रश्न डालना है, प्रश्न संख्या नहीं डालना है, हल लिखना है, जैसे लिखा हुआ है आपको सेम टू सेम वैसे ही करना है। लिखे हैं द्विघात समीकरण, ये प्रश्न उतार दिए हैं और यहाँ से हल करना स्टार्ट किए हैं। और देखिए यहाँ पर जो प्रश्न हो चुका है ना, एक ही पेज में इसको लिखना चाहे, मतलब आप एक ही पेज में इसको कवर करना चाहिए, दूसरे पेज में लिखना है ना तो उसको अगला जो मान लीजिए ये प्रश्न है तो प्रश्न संख्या बीच में से नहीं स्टार्ट करना चाहिए आपको। मैथ है ना, मैथ में जितना कॉपी भरेंगे उतना अच्छा रहता है। जैसे प्रश्न जहाँ समाप्त होगा आप पीटीयू डाल दीजिएगा और यहाँ पर रोल नंबर ऊपर लिख दीजिएगा, जैसे हिंट में बताया गया है। अब ये पूरा समझ में आ गया ना, तब देखिए इसको समझते हैं कॉपी कैसे लिखा गया है, ये सब पूरा समझते हैं। देखिए ये देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए जिस इतना लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, आपको बोर्ड एग्जाम में जैसे काला कहाँ प्रयोग करना है, नीला कलम का कहाँ प्रयोग करना है वो भी बता रहे हैं, बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बस देखिए ना। देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ कि दिया है, जो प्रश्न जैसे दिया हुआ है तो थोड़ा हिंट देना है, अगर मान लीजिए आप कुछ हिंदी में लिखना है तो ब्लैक कलम का यूज करिएगा, और जहाँ सॉल्व करना है ना, जैसे मान लीजिए इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है तो ब्लू कलम का यूज हुआ है, देख रहे हैं कितना अच्छा लिखा हुआ कि एग्जामिनर को समझ में आएगा, और एक जैसे पेज में एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे लिखना है। मान लीजिए प्रश्न उत्तर संख्या 4 है तो 4 को कैसे सॉल्व किया गया है, दिखाई दे रहा है ना कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है उसको ब्लू कलम से लिखा गया, मतलब ब्लैक कलम से लिखा गया, जो मतलब उसको हमको सॉल्व करना है तो किस लिखे हैं हमको उसको ब्लू कलम से, और सूत्र लिखे हैं ब्लैक कलम से। तो जैसे लिखा हुआ है ना आपको उसे समझना है, 2-3 बार वीडियो के देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे पांचवा प्रश्न यहाँ पर, पांचवा प्रश्न को कैसे सॉल्व किया गया है, जैसे हम सॉल्व किया ना आपको बोर्ड एग्जाम में वैसे ही सॉल्व करना है जैसे लिखा हुआ है, जैसे एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुआ तो पीटीयू डालकर इस प्रश्न को यहाँ पर हम सॉल्व किए हैं, और इसके बाद कोई प्रश्न उतारे हैं नहीं उतारे हैं तो सीधे डायरेक्ट यहाँ से नया सिरा से प्रश्न चालू किए हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, बस जो बताया है रूटीन आपको फॉलो करना है। अगर कुछ दिक्कत हो रहा है आपको समझने में तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ बता सकते हैं और पूछ सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई तुरंत आपको देंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री में होता है, थोड़ा बहुत आप हेल्प करेंगे तो हमको सपोर्ट हो जाता है। तो बस आपको यही ईमानदारी दिखाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।